हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हम हमारे वीडियो के ऑडियो को या ऑडियो को कैसे हम फिल्मोरा एक्स के अंदर कस्टमाइज करके मॉडिफाई कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजीत और आप देख रहे हैं डिजिटल एक्सप्रेस। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑडियो सेटिंग के इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में यानी कि आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे बेसिक सेटिंग कैसे करेंगे, कैसे फेड इन फेड आउट इफेक्ट को हम ऑडियो के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम हमारे टोन को चेंज कर सकते हैं, और आने वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हम की फ्रेमिंग ऑप्शन को हमारे ऑडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो डार्किंग क्या है और साइलेंस डिटेक्शन किस तरह से हमारे ऑडियो के अंदर काम करता है। एक वीडियो मीडिया फाइल को हम हमारे टाइमलाइन पे लेके आते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं वीडियो के अंदर जो ऑडियो है, ऑडियो का जो साउंड है, जो टोन है, जो लेवल है, वो हम यहाँ पे वेव की तरह देख पा रहे हैं। जो वेव है, यहाँ पे हमने कुछ बोला है या कुछ साउंड यहाँ पे हमें नज़र आएगा। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई दे रहा है, उस लाइन को ऊपर नीचे करके हम हमारे ऑडियो के टोन को, ऑडियो के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके वीडियो के ऑडियो का लेवल कम है, हम हमेशा क्या करते हैं, इस बार को माउस बटन के क्लिक करके ऊपर की तरफ कर देते तो हमारा साउंड जो यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारा साउंड जो है फट सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम आप 8 से लेकर 10 डेसिबल तक इसको बढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 डेसिबल होता है जो हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और अगर आपका यहाँ पे जो ऑडियो मीटर है उसके अंदर जो लेफ्ट और राइट के अंदर जो मीटर आपको दिखाई देगा जब हम प्ले करेंगे, वहाँ पे अगर आपका जो हाइस्ट लेवल रेड जब तक नहीं हो तब तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। एक बार प्ले करते हैं और देखते हैं हमारा ऑडियो का जो लेवल है -5 से नीचे है। अगर रेड पे आ जाता है तो हम इसको कोशिश करेंगे थोड़ा कम करने की। तो यहाँ पे हम ऑडियो के इस हॉरिजॉन्टल बार को ऊपर नीचे करके हम हमारे ऑडियो के वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम हमारे वीडियो के पहले जो ऑडियो के जो एरिया है उसके अंदर एक पॉइंट देख रहे हैं, उस पॉइंट को क्लिक करके हम इसको फेड इन और फेड आउट इफेक्ट को हमारे ऑडियो के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम माउस से क्लिक करेंगे तो इसको अंदर की तरफ लाएंगे तो फेड इन इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर लास्ट में जाके इसको हम अंदर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे हमारा फेड आउट इफेक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। और कस्टमाइज करने के लिए हम ऑडियो के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। इसके बाद हम वीडियो ऑडियो कलर एनिमेशन जो है, जो वीडियो का प्रॉपर्टीज है, हम ऑडियो में जाके वीडियो का बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे ऑप्शन हम यहाँ पे नज़र आएगा, उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने फेड इन और फेड आउट इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई किया था तो इसका वैल्यू जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाय डिफॉल्ट कर देंगे तो ये 00 यहाँ पे हो जाएगा। तो फेड इन फेड आउट इफेक्ट को हम यहाँ से भी कंट्रोल करके एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट और जो इसका वॉल्यूम का लेवल है 0 दिखाई दे रहा है। मीन्स अगर हम जब कोई भी म्यूज़िक या कोई भी वीडियो को हेडफोन से सुनते हैं तब हमारा लेफ्ट हैंड ईयर में अगर हमें साउंड चाहिए तो हम इसको लेफ्ट हैंड से मूव कर देंगे, अगर राइट में चाहिए तो राइट में मूव कर देंगे। तो इस तरह से हम लेफ्ट और राइट को कंट्रोल करके हमारे ऑडियो को सुन सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ही होता है। और एक मीटर हमें नज़र आ रहा है जहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे यहाँ पे डेसिबल वैल्यू दिखाई दे रहा है और इसका स्केल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 है, उसको हम चेंज करेंगे तो ये वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे चेंज करते हैं इसका मीटर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहता है, हम चाहे तो इसको हमारे हिसाब से हमारे ऑडियो के वॉल्यूम की हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे जो है ये वॉल्यूम की फ्रेम्स का ऑप्शन है जो हम आने वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियो के अंदर हम ऑडियो की फ्रेमिंग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है पीच है, पीच को चेंज करके हम हमारे ऑडियो का जो वॉल्यूम है, ऑडियो का जो टोन है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप कार्टून वीडियो बनाते हो तो यहाँ पे ये जो पीच ऑप्शन है बहुत काम आता है। हम अगर पीच को बढ़ा देंगे तो हमारा जो वॉल्यूम है कार्टून की तरह सुनाई देगा। एक बार प्ले करते हैं हमारे ऑडियो को तो इस तरह से कार्टून का जो आवाज़ है हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसको हम कम कर देंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो साउंड है, हमारा जो टोन है, वो बहुत भारी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक बार प्ले करके सुन लेते हैं।
तो इस तरह से जो राक्षस का जो साउंड आपको क्रिएट करना है कार्टून के अंदर, तो आप इस पिच को यहाँ पे कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इक्वलाइजर। इक्वलाइजर के अंदर सबसे पहले डिफॉल्ट हमें कुछ प्रीसेट साउंड दे रखा है, हम चाहे तो इसको यूज़ करके देख सकते हैं। अलग अलग वॉल्यूम के अंदर अलग अलग जो ऑप्शन है हम यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर यूज़ करता हूँ तो एकोस्टिक को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं एकोस्टिक को यूज़ करता हूँ और प्ले करके एक बार आपको सुना देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आप प्ले करते हैं। दोस्तों मैं संजीत और आप देख रहे हैं डिजिटल। तो इस तरह का आवाज़ आपको एकोस्टिक के अंदर सुनाई देगा। अगर सॉफ्ट में प्ले करेंगे देख रहे डिजिटल तो इस तरह का आवाज़ आपको यहाँ पे सुनाई देगा। अगर आपको अपना साउंड को कस्टमाइज़ करना है तो हम यहाँ पे कस्टम में जाएंगे। कस्टम को सिलेक्ट करने के बाद हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे सारा जो वैल्यू है यहाँ पे ज़ीरो पे सेट है। जो पहला तीन ग्राफ हमें नज़र आएगा वो लो टोन को डिनोट करता है, और जो लास्ट तीन है वो हाई टोन को डिनोट करता है, और बीच का जो चार है वो मिड टोन को डिनोट करता है। आप चाहे कोई भी टोन को एडजस्ट करके अपना साउंड को सेट कर सकते हैं। मैं हमेशा जो लास्ट तीन है जो हाई टोन है उसको मैं एडजस्ट करके मेरे साउंड को मॉडिफाई करता हूँ। हाई टोन का जो पहला ग्राफ है उसको मैं हमेशा मैक्सिमम जो है 5 के अंदर रखने की कोशिश करता हूँ, और जो बीच का है उसको मैं 14 से 15 के बीच में रखता हूँ, और जो लास्ट ग्राफ है उसको मैं मैक्सिमम 2 तक मैं इसको जाता हूँ। जाने के बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं अपना साउंड को टेस्ट करता हूँ। आप भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अलग अलग टोन को ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके अपना जो साउंड है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी एक बार प्ले करके देखते हैं किस तरह का साउंड यहाँ पे नज़र आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत और आप देख रहे हैं। तो इस तरह का साउंड आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके एडजस्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे डीनॉइस। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई साउंड है अगर आपको उसको रिमूव करना है तो हम यहाँ पे डीनॉइस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे वीडियो के अंदर कहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस है और किस तरह का बैकग्राउंड नॉइस है। वीडियो के शुरू में मुझे कुछ खाली जगह नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर हमारे ग्राफ को थोड़ा साउंड को थोड़ा बढ़ाऊँ तो हम देखेंगे यहाँ पे जो है मुझे कुछ लाइंस नज़र आ रहे हैं जो बैकग्राउंड नॉइस है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ट्रैक हाइट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो हम यहाँ पे जो साउंड है नज़र आएगा। तो इस बैकग्राउंड साउंड को मैं एक बार पहले सुन लेता हूँ। तो इस तरह का बैकग्राउंड साउंड को अगर आपको रिमूव करना है तो हम वीडियो पे क्लिक करेंगे। वीडियो पे क्लिक करने के बाद जो डीनॉइस ऑप्शन है उसको हम टिक कर देंगे, और इसके बाद जो वीक माइल्ड स्ट्रॉन्ग तीन ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देगा तो उसको हम माइल्ड पे लेके आएंगे। तो ये हम देखेंगे जो साउंड का लेवल है कुछ कम हो गया है। अगर हम स्ट्रॉन्ग पे लाएंगे तो ये और कम हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपका जो ओरिजिनल वीडियो का जो साउंड है वो ख़राब ना हो जाए। तो उसको मेंटेन रखते हुए आपको इस वीक माइल्ड स्ट्रॉन्ग को यूज़ करना है। तो हम माइल्ड पे करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड नॉइस है यहाँ पे रिमूव हो चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इस वीडियो के अंदर से इस ऑडियो को अलग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर हम राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें डिटैच ऑटो का ऑप्शन दिखाई देगा जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल प्लस डी है। इसको क्लिक करके हम हमारे वीडियो के अंदर से ऑडियो को बहुत ही आसानी से अलग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इस वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा। अगर हमारे ऑडियो को म्यूट करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम बटन दबा के म्यूट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी हमारा म्यूट का ऑप्शन है, उसको हम टिक करके हमारे ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं। टाइमलाइन के ऊपर भी ऑडियो मिक्सर का एक आइकन मिल जाएगा, ऑडियो मिक्सर पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा जो इस ऑडियो का जो प्रॉपर्टी है हमें यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे वीडियो वन, ऑडियो वन, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक वीडियो और एक ऑडियो ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे एक वीडियो और एक ऑडियो का ग्राफ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम यहाँ से भी हमारे ऑडियो को कंट्रोल या वीडियो को साउंड को कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शन है, स्टीरियो और सराउंड। हम कोई भी ऑप्शन को यहाँ पे चूज करके हमारे ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मिक्सर पे क्लिक करके भी हम हमारे ऑडियो के वॉल्यूम को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर देना। देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।